भाई जब परसों मतदान मतगणना है, क्या देखते हैं 28 सीटों पर? भारतीय जनता पार्टी की भारी विजय होगी, पूरी 28 की 28 सीटें भारी विजय होगी, बहुत शानदार सफलता मिलेगी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ। भाई अभी आरोप लगाया था आपने कमलनाथ के संपर्क में और भी विधायक हैं, खरीद पर नहीं, सब क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं, हम तो किसी के पास गए नहीं। अब उनकी सरकार ही इतने गलत तरीके से चली, पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने वाली सरकार, वादा नहीं निभाने वाली सरकार, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा करने वाली सरकार। और मैं तो साफ कहता हूँ कि कमलनाथ ने राजनीतिक भ्रष्टाचार कमलनाथ जी ने किया मध्य प्रदेश में शुरू, भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण कर दिया। अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के लोग ही असंतुष्ट हो गए तो उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन मैं कह चुका हूँ कि कमलनाथ जी कई जगह फोन कर रहे हैं विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के। अब ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक विचार और सिद्धांतों के लिए काम करने वाले हैं, वो फोन करते हैं, लोग हमें बता देते हैं। तो सवाल यही है कि कमलनाथ करें तो मैनेजमेंट कहते हैं उनकी पार्टी के लोग, कहा मैनेजमेंट गुरु है साहब, उनसे बड़ा मैनेजर कोई नहीं है। और कोई भारतीय जनता पार्टी में आ जाए तो आरोप लगाते हैं खरीद फरोख्त के, लेकिन पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं वो। अधिकारियों को धमकी दी जा रही, कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है, देख लेंगे हमारी रडार पे हो। काहे की रडार, लोकतंत्र में काहे का रडार होता है? कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी और कर्मचारियों को डराने की कोशिश ना करें। अब ऐसी बातें कहीं सुनी कि नहीं तो दंगा हो जाएगा। कैसे दंगा होगा मध्य प्रदेश में? कानून अपना काम करता है, मुझे कुछ नहीं करना। क्या लगता है आपको, दिवाली कांग्रेस की मनेगी या भारतीय जनता पार्टी की? जनता की दिवाली मनेगी। सर, विदिशा जिले में पिछले दो माह में हत्याओं का ग्राफ जो है वो लगातार बढ़ रहा है, विदिशा चूंकि आपका गृह जिले है। अन्याय करने वाले और अपराध करने वाले सारे तत्व कुचल दिए जाएंगे, क्रश कर दिए जाएंगे, मेरे सीधे निर्देश है और मैं परिणाम देखूंगा, परिणाम नहीं आया तो फैसला करूंगा। अभी शेजवार जी को शोकाज नोटिस दिया गया है, क्या कहना है उसमें? वो पार्टी अध्यक्ष बताएंगे। भाई जब अभी जैसे रिजल्ट आते हैं, सिंधिया जी के जितने समर्थक थे जो मतलब भारतीय जनता पार्टी के हो चुके हैं वो जीतते हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो सीनियर नेता हैं, जो कोई भारतीय जनता पार्टी में कहीं कुछ नहीं है, सब मिलकर एक है, एक बड़े लक्ष्य के लिए सब काम कर रहे हैं। और जो कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में आए थे कांग्रेस से, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह से एक हो गए, समरस हो गए, एकात्म हो गए। लगातार शिकायत की जा रही है बड़े नेताओं के जरिए, पुराने जो भाजपा ही नेता हैं उनके जरिए आपसे भी शिकायत की जा रही है कि उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा सिंधिया चाहने? नहीं, ऐसी कहीं से कोई शिकायत नहीं आई।